क्यों स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देख लिया? कैसा लगा तुमको? या फिर अभी भी सोच रहे हो कि देखना चाहिए या फिर नहीं? तो भाई तुम शायद इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट सुपर हीरो मूवी मिस करने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स अच्छी लगी देन इसे देखने के बाद पहली मूवी भी फीकी लगने लगेगी, क्योंकि इस मूवी में इतना खूबसूरत एनिमेशन और हर एक कैरेक्टर के ऊपर डिटेलिंग की गई है। इनफैक्ट उनके यूनिवर्स में उनका फ्रेम रेट और उनके यूनिवर्स में एनिमेशन सब कुछ आपको चौंकाने वाला है। इवन एक एनिमेटेड मूवी होने के बाद भी जब कोई लाइव एक्शन कैरेक्टर एनिमेशन के बीच आ जाता है तो वो भी तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। अब अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा इंसान इस मूवी में आ गया, देन विदाउट एनी स्पॉइलर वेनम और तीनों स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से कुछ ना कुछ दिखाई देगा तुमको। और मूवी में सिर्फ एनिमेशन एंड कलर एंड डिटेलिंग ही नहीं बल्कि इसकी स्टोरी भी पहले से बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल एंड कॉम्पैक्ट था। हर एक कैरेक्टर का पर्पस है, हर एक स्पाइडरमैन को अलग एनिमेशन के साथ देखने मिला एंड मूवी तुम्हारे हर एक इमोशन को ट्रिगर करेगा, चाहे वो हंसी हो या फिर सैडनेस, या थ्रिल से मुंह खुला रह जाएगा या फिर पुराना कोई डर फिर से सामने ले आना। अब पुराने डर से क्या मतलब है अगर सोच रहे हो, देन इंडियन स्पाइडरमैन जो थैंकफुली सिर्फ एक मार्केटिंग एलिमेंट नहीं जिनको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग प्लॉट पॉइंट भी दिया है। और मूवी में उनकी मुंबईटन शहर में एक इंसिडेंट होता है जिसे 10 साल पुराना दर्द एंड किसी को खोने का डर वापस सामने आ जाएगा। एंड हाँ, इसे ज्यादा स्पॉइल किया तो मूवी का मेन प्लॉट ही रिवील हो जाएगा, जो कि मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हाफ में मूड सबका लाइट रहेगा बट जैसे जैसे मूवी दूसरी हाफ की तरफ जाएगी अंत तक मूवी तेज और इंटेंसिफाई ग्रेजुअली होती रहती है। एंड 3 ट्रेलर्स और 300 टीवी स्पॉट्स के बावजूद असली स्टोरी देख के मैं तो हिल गया था। सबको पता था माइल्स अपने बाप को बचाने जा रहा है, लेकिन अंत में जो होता है उससे तुम्हारी हालत कैसी हो गई थी मुझे नहीं पता, बट जिस मोमेंट पे माइल्स के घर पे गेट खुलता है और वही पुराना चेहरा सामने खड़ा मिलता है, भाई साहब दिस इज सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आई वांट। लेकिन माइल्स अभी भी हिम्मत हारा नहीं और हमें जैसा किस्मत से फाइट करने वाला स्पाइडरमैन देखना है वही माइल्स मोरल्स डिलीवर करता है। मूवी 2 घंटे 16 मिनट की है बट 1 मिनट भी अगर तुम्हें बोर करे वैसा कोई सीन ही नहीं मिलेगा तुमको। और हर एक स्पाइडरमैन एंड वुमन की सेम कॉमिक बुक वाली ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई। और हाँ, ये बिल्कुल एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है, तो अपने दोस्त पार्टनर भाई बहन परिवार के सभी के साथ आराम से देखने जा सकते हो। एंड सोनी चाहे अपने लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स में हग रहा है बट एनिमेशन में सोनी वाले कुछ अलग ही बेंचमार्क सेट कर रहे हैं जो असली टेक्नोलॉजी का मजा दिखाता है। जो माइन्यूट डिटेल्स हर कैरेक्टर के साथ एनिमेशन एंड कलर्स में दिखाया गया उससे उनकी हार्डवर्क भी नजर आता है, जिससे अप्रिशिएट करना तो बनता है। एंड अगर तुम इस वीडियो को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो नीचे जो लाइक बटन है उसे दबा दो। एंड इस पॉप कल्चर फैमिली में जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उस पे एक स्पाइडर सेंस फेंक के मार दो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच शो डिफाइन।